तो सिर्फ 208,000 रुपए में एक इलेक्ट्रिक कार बन सकती है, ये शायद ही कोई सोच सकता है। और इसे लेकिन एक युवक ने सच कर दिखाया है। ये कार 180 किलोमीटर चलती है और आनंद महिंद्रा भी इसके फैन हो गए हैं। भारत में अभी सिर्फ सीमित इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही मौजूद है, इनमें से भी अधिकतर गाड़ियां ऐसी है जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसे में कई लोग अपनी साधारण गाड़ी को ही इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। गौतम ने पुरानी जीप कार को इलेक्ट्रिक बना दिया। उनके मुताबिक इलेक्ट्रिक जीप एक बार चार्ज करने पर 280 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। इतना ही नहीं, फोर व्हील ड्राइव है और ड्राइविंग करते समय जरूरत के हिसाब से आगे या पीछे के पहिए को पावर भेजी जा सकती है। इस सब में उनका सिर्फ 2.80 लाख रुपए ही खर्च आया है, 2,80,000 रुपए खर्च आया है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उनके इनोवेशन की सराहना करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा, इसीलिए मुझे विश्वास है कि भारत इलेक्ट्रिक वाहनों में अग्रणी होगा। मेरा मानना है कि कारों और प्रौद्योगिकी के मामले में के लिए लोगों के जुनून और गैरेज टिकरिंग के माध्यम से उनके नवाचार के कारण अमेरिका में ऑटो में प्रभुत्व हासिल किया। गौतम और उनकी जनजाति फले फूले। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।